महाराष्ट्र मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार शाम को पालघर रेलवे स्टेशन पर 6 माल वेगन और एक ब्रेक और गार्ड वैन की पटरी से उतर जाने के बाद सूरत और मुंबई के बीच रेलवे यातायात प्रभावित हुआ, संभवतः रेल में खराबी के कारण। एक प्रत्यक्षदर्शी संजय पाटिल ने कहा, पूरी तरह भरी हुई ट्रेन मध्यम गति से चल रही थी। विराट निवासी ने कहा कि 6 वेगन और ब्रेक और गार्ड वैन की पटरी से उतरने के बाद मालगाड़ी के बाकी वेगन कुछ मीटर दूरी पर जाकर रुक गए। पटरी से उतरे वेगनों के मुख्य फ्रेम के अलावा उनके पहिए और कंपलिंग भी टूट गए। एक ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई पोल भी उखड़ गया। हादसे के कुछ मिनट बाद ही पटरी की मरम्मत का काम शुरू हो गया। 24 टन से अधिक वजन वाले प्रत्येक स्टील कॉइल को उठाना पड़ा और फिर पटरी से उतरे वेगन पहिए और वेगन की संरचना को साफ करना पड़ा। पालघर में एक रेलवे अधिकारी ने कहा, ओएचई पोल के निर्माण और बिजली की आपूर्ति और पटरियों की बहाली में 12 घंटे से अधिक समय लगने की उम्मीद है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र संपादक अब्दुल सलाम खान की इस वक्त की खास रिपोर्ट।